आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपको याद होगा हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा, फर्स्ट लॉ की कुछ लिमिटेशंस भी थी, बहुत सारी लिमिटेशन थी फर्स्ट लॉ की, तीन लिमिटेशंस जो हमने करी थी। तो अगर वो लिमिटेशन है तो फर्स्ट लॉ के बाद आपका सेकेंड लॉ तो आना बनता है। तो सेकेंड लॉ पे आते हैं हम। तो सेकेंड लॉ ने बोला क्या था, अब याद रखना सेकेंड लॉ सिर्फ किसी एक बंदे ने नहीं बोला, सेकेंड लॉ बेसिकली दो लोगों ने मिलकर बात करी थी सेकेंड लॉ के बारे में। तो सेकेंड लॉ की फर्स्ट जो स्टेटमेंट थी वो किसने दी, केल्विन, प्लैंक स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। देखिए केल्विन प्लैंक ने क्या बोला था, पहले रिलेशन लिख लेते हैं। उसकी जो डेफिनेशन थी वो उन्होंने दी थी, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ इंजन हुज होल सोल पर्पज इज टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। ठीक है, मतलब क्या बोला उन्होंने, उन्होंने ये चीज़ बोली कि हम ऐसा कोई इंजन बना ही नहीं सकते जिसको हम हीट दें और हमें सिर्फ वो वर्क आउटपुट में दे। हमने हीट दिया Q1, हमें वर्क मिला W, ये आपका इंजन है, ये आपका सोर्स है जहाँ से उसको हीट मिल रही है। तो अगर आप इंजन में Q1 हीट देते हो तो वो इंजन पूरे हीट को किस में कन्वर्ट कर दे, वर्क में। ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है यार, आपको आप लोगों को भी पता होगा कि अगर हम पेट्रोल यूज़ करते हैं तो पेट्रोल से हमें वर्क मिल रहा है क्योंकि बाइक आगे चल रही है, बट ये भी तो देखो बाहर फ्यूल स्मोक की फॉर्म में भी तो बाहर आता है। स्मोक क्या होता है, गर्म होता है, साइलेंसर हमारा गर्म होता है तो स्मोक आपका वो जो आउटपुट है वो गर्म है। तो यहाँ आपका आउटपुट में हमें क्या मिला, Q2। तो उन्होंने बोला ये इम्पॉसिबल है कि आप सिर्फ Q1 लो और आउटपुट में W मिले, ऐसा इंजन हम बना ही नहीं सकते। होगा क्या, हमेशा आउटपुट में एक W के साथ Q2 भी मिलेगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, एग्जांपल में आप क्या लिख क्या कर सकते हैं, अगर मान लेते हैं मैंने 100 जूल की हीट दी तो मुझे वर्क लेट अस अज्यूम 70 जूल आपको वर्क मिला, तो बाकी 30 का गया, बाकी 30 हीट की फॉर्म में बाहर निकल जाता है जैसे हम स्मोक हैं। तो एक तरीके से वो ये भी कहना चाहते थे कि आप 100% एफिशिएंसी नहीं बना सकते। तो आपको ये पता लगा, वर्क को Q2 से ऐड करूँगा तो Q1 के बराबर होता है, वर्क को Q2 से ऐड करूँगा तो Q1 के बराबर होता है। तो इसमें आपको ये फिगर बनानी है, ये वाली जो फिगर, ये पॉसिबल नहीं है कि हीट दे और सिर्फ वर्क मिले। एक्चुअल में क्या होता है, ये वाला केस होगा इसमें, और ध्यान रखना इसमें ये जो एरो वर्क की दे रखी है अपोजिट डायरेक्शन में होगी, इसमें फिगर में गलत है, आप अपोजिट डायरेक्शन में बनाना। ठीक है, क्योंकि हमें वर्क आउटपुट में मिलता है, हम वर्क देते नहीं है, ये एरो वर्क देने का है, हमें वर्क आउटपुट में चाहिए। हॉट रिजर्वायर कौन सा रिजर्वायर होता है, जिससे हमें हीट मिलती है, हीट मिलेगी। कोल्ड रिजर्वायर कौन सा होता है, जिसको हम हीट देते हैं। तो ये था आपका केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का। फिर से अब मैं आपको बता देता हूँ कि केल्विन प्लैंक ने ये बोला था कि एक आपका हॉट रिजर्वायर है जिसका टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, तभी तो टेम्परेचर देगा। टेम्परेचर में हॉट रिजर्वायर है, एक आपका कोल्ड रिजर्वायर है। कोल्ड रिजर्वायर यूजली हमारे बाइक के लिए कोल्ड रिजर्वायर कौन सा होगा, तो हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर। जब ये आउटपुट में हमें वर्क मिला तो इनपुट में हम Q1 देंगे तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा, और ये जो Q2 है ये हमारा बिना वजह निकल जाएगा, बिना वजह हमारे किसी काम का ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमारा काम क्या है, डिजायर्ड क्या है, डिजायर्ड इफेक्ट हमारा वर्क है। इनपुट क्या दे रहे हैं, Q1 दे रहे हैं, तो ये दो हमारे लिए ज़रूरत है।
तो अगर मैं इसकी एफिशिएंसी की बात करूँ, एफिशिएंसी मतलब क्षमता, कितना वर्क बना रहा है, तो एफिशिएंसी का इसको फिगर को ड्रॉ कर लेना। एफिशिएंसी का मतलब क्या है? एफिशिएंसी का मतलब है, ये एफिशिएंसी का साइन होता है, कितना आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट कितना मिल रहा है, आउटपुट, और कितना आप इनपुट दे रहे हो, उसी को तो एफिशिएंसी बोलते हैं। लाइक 100 रुपये के, 100 रुपये अगर आप खर्च करो और 100 रुपये की चीज़ मिले, तो आउटपुट आपका क्या है, 100%। अब 100 रुपये आप खर्च करो और चीज़ मिल जाए 150 रुपये की, तो वहाँ क्या होता है, एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आउटपुट क्या मिला आपको इसमें, फिगर देखिए जो अभी पीछे बनाई है, आउटपुट मिला है वर्क। इनपुट क्या दिया था, इनपुट दिया था Q1। पीछे रिलेशन में मैंने बताया था कि जो आपका Q1 होता है वो क्या होगा, W प्लस Q2। यहाँ से W किसके कल मिलेगा, Q1 माइनस Q2 के, जैसे कि Q1 Q2 राइट से लेफ्ट चली जाएगी, तो W की प्लेस में मैं क्या डाल सकता हूँ, Q1 माइनस Q2। तो डाल लेते हैं एफिशिएंसी का फॉर्मूला, एफिशिएंसी इक्वल्स टू में Q1 माइनस Q2 अपॉन में, ये 2 है, अपॉन में Q1। अगर Q1 को मैं दोनों के नीचे रख दूँ तो 1 माइनस Q2 बाय Q1। ये रिलेशन है आपकी, इसकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मींस आउटपुट में आपको कितनी वैल्यू क्वांटिटी मिलेगी, उसे हम बोलते हैं एफिशिएंसी, ठीक है। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, एफिशिएंसी मतलब ये 1 में से माइनस कर रहे, तो जो भी आंसर आएगा 0.9 0.8 ऐसा मिलेगा। तो अगर मान लेते हैं आपको आंसर आया 0.9 0.8, क्योंकि 1 में से माइनस कर रहे तो 1 से छोटी वैल्यू ही मिलेगी, तो अगर 0.9 आया तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना आंसर आएगा 90, तो ये 90% एफिशिएंट होगा। 0.8 आया तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी 80%। 0.7 आया तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी 70%। तो ये इसकी एफिशिएंसी होगी, ओके। तो हमें क्या मिल गया, हमें ये पता लग गया कि एफिशिएंसी कितनी होती है हीट इंजन की। एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकती। आपको बता देता हूँ, आपके जो ये डीजल है उसकी एफिशिएंसी हम 58% लेते हैं, सिर्फ 58%। पेट्रोल उसकी एफिशिएंसी हमें सिर्फ 52% मिलती है। तो हम एफिशिएंसी मैक्सिमम नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास लॉस होता है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो दी थी, ये केल्विन प्लैंक ने दी थी, जिसमें हम इनपुट में अगर कोई हीट दे रहे हैं और आउटपुट में आपको वर्क मिलेगा, तो आपको जो वर्क मिल रहा है उसके अलावा एक चीज़ और मिलती है, जिसको हम बोलते हैं एग्जॉस्ट Q2, जो कि हमारा एक तरह से लॉस होता है, ओके। नेक्स्ट है आपका सेकंड जो रिलेशन थी, वो किसने दी थी, क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो दो स्टेटमेंट दी थी सेकंड लॉ में, एक तो क्लॉसियस स्टेटमेंट और दूसरा आपका केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट देखिए, क्लॉसियस स्टेटमेंट बेसिकली किसके लिए थी, क्लॉसियस स्टेटमेंट हीट पंप या फिर रेफ्रिजरेटर के लिए थी, या तो हम हीट पंप बोलते हैं या फिर रेफ्रिजरेटर, इन दोनों में से दोनों के लिए जो स्टेटमेंट दी थी वो क्लॉसियस ने बोला था। चलिए क्लॉसियस ने किस तरीके से आपको बताया देखते हैं। एक बेसिक सा एग्जाम्पल आपको थर्मोडाइनमिक्स में पता होगा या कोई भी चीज़, हीट हमेशा हाई से, ये हाई टेम्परेचर है, ये लो टेम्परेचर है, हीट हमेशा हाई से लो की तरफ जाती है। अगर बाहर धूप है तो अगर हम कोई ठंडी बॉडी रख दें तो हमेशा वो जो हीट होगी वो ठंडी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है हमेशा। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, क्यों, हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ही हीट जाती है, ये नेचुरल फिनोमेना है। ये फिनोमेना किसी ने बनाया नहीं, ये अपने आप होता, हम चाहे या ना चाहे हमेशा हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक ही जाती है। बट अगर मुझे कुछ और करना पड़े, कुछ और चाहिए कि लो से हॉट की तरफ टेम्परेचर को निकालना हो, लो से हॉट की तरफ कोई टेम्परेचर निकालना हो, तो कैसे करूँगा, ये काम तो उल्टा काम करना तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। तो उन्होंने बोला अपने आप होना इम्पॉसिबल है, ये चीज़ लो से हाई पे जाना अपने आप,
अगर आपको ये करना है ना तो आपको यहाँ कोई वर्क देना पड़ेगा। तो क्या रिलेशन बोली, उन्होंने बोला कि ये मान लेते हैं आपका टेम्परेचर लोअर है, कम टेम्परेचर है, ठंडी चीज़ है, और ये टेम्परेचर है हाई, आपको इस लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट भेजनी है, तो यहाँ से हीट क्यों लोअर और वहाँ से हीट क्यों हायर की तरफ जाएगी, तो ये हीट लोअर से हायर की तरफ कैसे जाएगी, अपने आप तो जाना इम्पॉसिबल है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ वर्क देना पड़ेगा, इसको कुछ वर्क देना पड़ेगा। तो जब आप वो वर्क दोगे तो यहाँ से अपने आप ही क्यू लोअर से हीट आएगी और क्यू हायर तक निकल जाएगी। बट अगर क्यू हायर से क्यू लोअर तक जाना है तो वो फिनोमेना नेचुरल होता है। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूँ तो इसका एग्जांपल है रेफ्रिजरेटर। सोचो एक एप्पल फ्रिज में रखा हुआ है, उसका टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से कम ही होता है, उस एप्पल से और हीट निकालनी है हमें। अगर एप्पल को बाहर वैसे ही रख दें, रेफ्रिजरेटर के बाहर रख दें, तो एप्पल ठंडा होगा, उसके बावजूद बाहर से जो हीट आएगी उसके टेम्परेचर को बढ़ा देगी। क्यों? क्योंकि हीट हमेशा हाई से लो की तरफ मूव करती है। बट अगर हमें एप्पल को ठंडा करना हो तो एप्पल को मान लो फ्रिज में रखा, जैसे आप उसको फ्रिज में रखोगे तो फ्रिज क्या करेगा, पहले तो उस पर वर्क करेगा। वर्क आपने जैसे वर्क किया, वर्क उसके अंदर से क्या करेगा, जो भी थोड़ी हीट है वो थोड़ी हीट निकालेगा, और उस थोड़ी हीट को कहाँ निकाल देगा, बाहर एनवायरनमेंट में, और यहाँ से आपको हीट बाहर निकल जाएगी। तो ये जो प्रोसेस या जो काम है ना, ये किसका है, ये रेफ्रिजरेटर का काम है। अब ध्यान रखना, अगर मैं मान लो यहाँ खड़ा हूँ किसके सामने, टी लोअर के सामने, लोअर टेम्परेचर के सामने, तो मुझे चीज़ अगर मैं यहाँ से निकालूँगा तो कैसी चीज़ मिलेगी, मुझे ठंडी चीज़ मिलेगी। तो यहाँ जो ये फिगर बन जाएगी ना, ये फिगर मेरे लिए किसकी होगी, रेफ्रिजरेटर की। और मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे कैसे टेम्परेचर मिलेगा, हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर मतलब हीट मिल रही है, तो ठंड में हमें जो हीट यूज़ करते हैं, हीट किससे लेते हैं, हीटर से। तो यहाँ ये किसका काम करेगा, हीट पंप का। फिगर दोनों की सेम है, बट डिपेंड करता है आप काम कहाँ से ले रहा है। आउटपुट मुझे यहाँ से चाहिए, ये चाहिए मुझे यहाँ से, तो मेरे लिए रेफ्रिजरेटर बन जाएगा, और यहाँ से चाहिए तो मेरे लिए हीट पंप बन जाएगा। तो क्लॉसियस की स्टेटमेंट देखते हैं, उन्होंने क्या बोला, हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी अनएडेड। मतलब हॉट से कोल्ड जाना कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, बट इट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्ड टू हॉट बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। मतलब हॉट से कोल्ड जाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर कोल्ड से हॉट की तरफ हीट भेजनी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। जैसा इसमें देखो, इस फिगर में किया हुआ है, ये पंप है, हीट पंप है, आपका कोल्ड रिजर्वायर ये रहा, इस कोल्ड रिजर्वायर से हीट लेके जानी है हॉट रिजर्वायर तक। अब जो ये कोल्ड से हॉट तक हीट जाएगी तो वो हीट अपने आप तो जाएगी नहीं, आपने क्या किया, उसके ऊपर वर्क किया। अब आप ध्यान से देखो, फिगर में वर्क को Q1 माइनस Q2 लिखा है, ठीक है, सेम रिलेशन Q1 माइनस Q2, यहाँ कौन बड़ा है, Q1 बड़ा है। तो इसका जो अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूँ, तो यहाँ हमें आउटपुट में वर्क नहीं मिल रहा, हमें इनपुट में वर्क देना पड़ रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी हम निकालेंगे ही नहीं, हम एफिशिएंसी होती नहीं है इसकी। इसकी क्या है, जिस पे हम वर्क करते हैं और हमें आउटपुट में कुछ मिल रहा है, उसका क्या चाहिए हमें, उसकी चाहिए परफॉर्मेंस। तो यहाँ से हम निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। सेम इसका भी यही है कि आउटपुट में क्या मिल रहा है, आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, अपॉन इनपुट क्या दे रहे हैं। इसमें आउटपुट में हमें क्या मिला, आउटपुट में हमें मिला क्यू, कितना क्यू, 1, और इनपुट क्या दे रहे थे, इनपुट दे रहे थे वर्क। ये आपका एग्जांपल हो गया कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ, फिगर ध्यान रखना,
इस फिगर को ड्रॉ कर लेना। ये देखिए आपने वर्क दिया, वर्क देते ही ये Q1 है, ये Q2 है, ये लोअर टेम्परेचर टी लोअर, ये टी एच टी हायर, ये टी एल टी लोअर। तो जब आप वर्क दोगे, वर्क देते ही यहाँ से Q1 निकलेगा और वहाँ से Q Q1 और वहाँ से Q2 बाहर निकलेगा। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे लिए आउटपुट क्या है, आउटपुट है Q1। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे लिए आउटपुट क्या, आउटपुट है Q2। तो यहाँ खड़ा था तो मेरे लिए क्या बन जाएगा, हीट पंप। तो हीट पंप के लिए आउटपुट क्या है, Q2। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे लिए आउटपुट क्या है, Q1। Q1 किसके लिए आउटपुट बन गया, रेफ्रिजरेटर के लिए। वर्क हम W दे रहे हैं। तो अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दोनों की लिखूँ, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किसकी, हीट पंप की, और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किसकी, रेफ्रिजरेटर की। तो हीट पंप की अगर मैं बात करूँ तो हीट पंप में कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आउटपुट क्या था, हीट पंप में आउटपुट देखना फिगर को जो बनाई है पीछे देखो, आउटपुट था Q2, इनपुट वर्क। रेफ्रिजरेटर में आउटपुट क्या है, Q1, इनपुट वर्क। और दोनों की प्लेस पे, वर्क की प्लेस पे मैं क्या डाल सकता हूँ, Q2 माइनस Q1, और यहाँ भी Q2 माइनस Q1। तो ये जो रिलेशन, ये इक्वेशन है, ये आप अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। ओके, तो अपने नोट्स साथ साथ प्रिपेयर जरूर कर लेना आप।